अज शहीद अमृतपाल सिंह उन्होंने पिंड कोटली विखे अज परिवार नाल दुख सांझा करन ते अज शहीद अमृतपाल सिंह उन्होंने पिंड कोटली विखे अज परिवार नाल दुख सांझा करन ते शहीद अमृतपाल सिंह जी नूं श्रद्धांजलि देने लई इत्थे आए हां। इस तों पहलां पिंड छाजली जिला संगरूर दे परविंदर सिंह 31 पंजाब यूनिट तों जिहड़े कारगिल शहीद होए उन्हां कोल वी जा के आए। पंजाब सरकार वल्लों जो पॉलिसी बनाई गई है कि जिहड़े सैनिक जिहड़े फौजी जवान ड्यूटी दौरान देश के किसी भी कोने शहीद होणगे तां उन्हां दे परिवार नूं 1 करोड़ रुपया सन्मान राशि के तौर पर दिता जाऊगा। ये कोई इस राशि नाल कोई शहीद की जान वापस नहीं आ सकती, ना ही ये कोई कीमत है शहीद की जान की, पर एक यह है कि परिवार की कबीलदारी चलती रहती है। जिस तरह शहीद अमृतपाल सिंह जी के पिता जी ने दसिया कि वड्डी कबीलदारी है उन्होंने, लगभग जॉइंट फैमिली है उन्होंने, तो भैणों के विआह भी अगे पे ने। सो 1 करोड़ रुपये नाल असी कोई उसकी जान वापस नहीं लिया सकते, पर यह है कि थोड़ी जी आर्थिक मदद हो जाती है। शहीदों के परिवारों को संभालना साडा फर्ज है, जे असी परिवारों को संभाल लेंगे तो होर बच्चे फौज जाने बारे सोचेंगे, नहीं तो मापे उदाहरण दे के कि उन्होंने वांगू रुझ जाओगे, जो उन्होंने वांगू परिवार रुझ जाऊगा तो फिर अपने बच्चे फौज भेजने की हिम्मत नहीं करते। हुण आई गल शहीद अमृतपाल सिंह जी दे शहीदी दे उत्ते जिहड़े सवाल उठाए, बड़े दुख की गल है कि एक देश वास्ते जान चली गई, 60% बजट देश का डिफेंस वास्ते जाता है, तो उन्होंने को एक एंबूलेंस तो 4 सलूट नहीं मारे गए। शहीदी च भी रैंक बनाते इन्होंने कि आ इस रैंक की शहीदी वड्डी है, इस रैंक की शहीदी छोटी है, जान तो जान है। जिस वेले अग्निवीर इंट्रोड्यूस कर रहे थे असीं इन्हां नूं कहा सीगा तुसीं गलत कर रहे हो, तुसीं 4 साल वास्ते रखने ने, 6 महीने ट्रेनिंग है, 3.5 साल रखने ने, 6 महीने तुसीं फौज पद्धर की ट्रेनिंग किवें दे दोगे, पटवारियों की ट्रेनिंग 1.5 साल सी, होर महकमे दी जिहड़ियां ने साल साल ट्रेनिंग चलती रहती है, फौज की ट्रेनिंग तो उतों भी बहुत ज़्यादा, 6 महीने ट्रेनिंग दे के 3.5 साल बाद उन्होंने कहेंगे जा 22-23 साल का ना रिटायर च ना मौजूदा च ना कोई पेंशन, आ तो हुण हद ही करती कि दुनिया तो गए नूं सल्यूट भी नहीं मारिया। सो ये अपमान है शहीदां दी शहीदी का, पर पंजाब सरकार वल्लों ये पॉलिसी है। जे फर्ज करो साडे जवान कारगिल दियां पहाड़ियों च गश्त करते फिरते ने, बर्फ दियां टिगां डिगपियां, 10 उहदे विच जवान सी चलो दब गए, 7 जिहड़े ने वो जान गुआ बैठे, बाकी 3 बच गए, वो 7 नूं भी असीं शहीद टेक्निकली थोड़ी गए सी, उन्होंने ड्यूटी लगी हुई सी देश वास्ते, वो बर्फ के उत्ते -20 डिग्री टैंपरेचर, -30 डिग्री टैंपरेचर के वो गश्त कर रहे सी। सो यह फौज नूं भी इहदे बारे सोचना चाहिए। अग्निवीर जिहड़ी इन्हां ने नीति अपनाई है ये गलत है, परिवार जिहड़ा वो बहुत गुस्से च है, आहत है, उन्होंने दिल च गुस्सा है कि साडे बच्चे नूं आर्मी ने मान सन्मान भी नहीं दिता जिहड़ा शहीदी ते दिता जांदा है। उन्होंने पिता जी ने कहा मैनूं तां पता भी नहीं है अग्निवीर की हुंदी है, मैं तां फौज च भर्ती कीता सी, मेरे वल्लों तां फौज च गया, तो फौज ने उही वर्दी दित्ती है, उही हथियार दित्ते ने, तो शहीदियों के फर्क पा लिया। ये जिहड़े नीति घाड़े उत्थे बैठे ने इन्हां नूं की पता शहीदियों का, कोई इन्हां दे अपने गए होण कितें फौज का पता लगे, बहुत दुख की गल है। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री कोले, मैं होम मिनिस्ट्री कोले गल उठाऊंगा, आप भी जाऊंगा, क्योंकि यह अग्निवीर की पहली कैजुअल्टी है, जो अग्निवीर शुरू की है पहली मौत है, हुण पता लग्या कि ये समझते की ने साडियां जानां नूं।
कच्चे अध्यापक सुने सी, ठेके ते मुलाजम सुने सी, कच्चे फौजी ठेके ते फौजी। जदों असीं पूरी सर्विस करन देण नूं अपने पुत देण नूं तैयार हाँ, तुसीं क्यों कहिंदे हो वी चार साल बाद वेले करांगे तुहानूं? डिफेंस कोले 60% बजट है ते देश दीआं हद्दां दी राखी वास्ते वी समझौते करन लग्गे। सो इह पंजाब सरकार वल्लों असीं उहनूं शहीदी दा दर्जा देवांगे, उहनां दे नां ते स्टेडियम बनाया जाऊगा, पंचायत वल्लों मंग है, परिवार वल्लों मंग है, बुत वी लाया जाऊगा परिवार दे विच जिथे कहणगे, नौकरी वी दित्ती जाऊगी सरकार वल्लों, पंजाब वल्लों पूरे पंजाब वल्लों असीं उहनूं शहीद दा दर्जा देवांगे। क्योंकि सानू जिस वेले देश की रक्षा करके हिक्कां डाई बैठे ने, वो कागज़ नहीं देखते उत्थे कि मेरे किहड़े कागज़ ने, मैं गोली चलावां जां गोली ना चलावां, मेरे कागज़ घट ने, मैं होर तरह के फौजियां चा। सो यह रैंकिंग जिहड़ी है इस तरह का वितकरा फौज दे विच बहुत बहुत ही घातक सिद्ध होगा। अग्निवीर असीं सरकार तो भी मंग करांगे, सेंटर सरकार तो, कि अग्निवीर नूं रैगूलर करो, जां तां रैगूलर फौज दे विच लाओ उन्हां नूं सारिआं नूं जिन्हें भी अग्निवीर च भर्ती कीते, जां फिर उन्हां नूं वेले कर दो, घर भेज दो, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे वो, ना तो तुम उन्होंने इधर तो छड़ना ना उधर तो छड़ना। यह तो हूँ पता लग गया ना सानू, तो कि सानू तो सलूट भी नहीं है जी, फौज पर ट्रेनिंग हो गई है जी। जिहड़े मुंडा ट्रेनर है वह भी मिले मैं, वह कहता जी इस वक्त मैनू कहता दुख हो जाता, मैं क्यों ट्रेनिंग देती उन्होंने, जे मैं ना ट्रेनिंग दिता शायद इस परिवार से बैन ना पेंदे, हूँ वो ट्रेनिंग वास्ते कौन आऊगा? देखो मैं आप कह रहा कि उन्होंने समझते की ने, मतलब उन्होंने जान की कीमत की है, तुम जानते हो चार सलूट भी नहीं मार सकते, फौज को कारतूस है नहीं कि सलामी दे देंगे। देखो ये तो भी बात, देखो जख्मां ते नमक पाने वाली गल है, वह सत्त भैणों का जिम्मेवारी चक्की फिरदा सी, ब्याह रखा हुआ सी, ब्याह ते आउण नूं तैयार सी, जिहड़ा बंदा फौज जाण दा जिगरा रखदा ना वह खुदकुशी नहीं करता, खुदकुशी तो डपोकों का काम हों, पैरों का काम हों, हूँ हूँ हमने बहाने लाइद है फौज, उन्हें खुदकुशी की है जी, उन्हें ऐ किया जी, उन्हें वो किया जी। सो यह मामला जोड़ा है ये असी सेंटर तक लेके जावे, ये होर मामा के पुत ना रोलना, जिस तरह तुम्हें क्या सवाल पूछे कि जोड़े होर अग्निवीर ने, वो कहते असी तो वापस आवेंगे, फिर सू जो सा मुल ही है नहीं, इतने इतने लास्ट सुट सुट गए हस्पताल के मानसा पुलिस मैं ऑर्डर किए थे कि आप गार्ड ऑफ ऑनर देने, आप सलामी देने, पुलिस ने सलामी दी है, चलो थोड़ी बहुत कल जो ठंड पैंदी है परिवार देखे, चलो किसी ने तो सानू मनिया नहीं, तो सिट के यार। सर आपने राणा सिंह से वक्त मांगा है मिलने के लिए या अभी मांगे? मैं अभी 20-21 को हमारा सेशन है विधानसभा का, उसके बाद मैं सेंटर सरकार को मिलने के लिए जाऊंगा और ये बात रखूंगा। साढ़े वालों तो शहीदी का दर्जा है ही जी, साढ़े वालों तो सेम जो असी रेगूलर जो शहीद ने फौज के उन्होंने फैसिलिटी दें, नौकरी उन्होंने नाम से, स्कूल गेट सड़क का नाम स्टेडियम वो तो असं दे रहे हैं, साढ़े वालों तो कोई वितकरण सानू तो पता है ना, आप तो पिंड जी, अपने तो कोई पिंड है ही नहीं जिते शहीद ना गेट ना बने हो, किसी पिंड कोई बुत ना हो, हर तीजे घर का मुंडा फौज है। देखो जी गल है की सबूत है, ये उदों कहन लगी है फौज जो ये मामला उठ खड़िया, अदरवाइज किराए तो एंबूलेंस लैके छड़ गए सीगे। सो आर्मी के अफसरों को भी चाहिए, बहुत सैनिक भलाई बोर्ड बने हुए हैं बड़े बड़े, कि तुसी एफर्ट करो, तुसी ये मामला उठाओ कि इस तरह जिहड़े साडे देश के जवानों का हौसला ना तुसी तोड़ो, तो वो बहादुर जवान ने सब तो वधिया फौजां दे विच दुनिया दी फौजां दे विच अपनी देश की फौज मनी जाती है, तो उधरों गोली आउंदी है -40 डिग्री टैंपरेचर भी रोकते हैं, +50 डिग्री टैंपरेचर भी जैसलमेर के टिब्बे रोकते हैं, उन्हें करके ही आप सारे चैन की नींद सौने। मैं तो कहना चाहता अग्निवीर रैगूलर करो, एक का मैं कहना जी वो पिता जी ने जरूर पूछो अग्निवीर की होंगे, कहना मैंने की पता है बंद होनी चाहिए, मैं क्या जी यहोजी स्कीम शुरू ही नहीं होनी चाहिए, बंद होने का मतलब कि तुम उन्होंने ज्यादा रैगूलर करो ज सारे छुट्टी करो। देखो कोई मेरा ख्याल नहीं था, कोई वोटां दा कोई लिंक होगा, पर साढ़े जवान तो 1-3 अक्तूबर को शहीद होया शाजली का मुंडा, 150 मुंडा तो लगभग उस पिंड के कल शाजली पिंड के मुंडे जिहड़े ने फौज च ने, सो वो कारगिल शहीद होया, उत्थे तो तुहानू पता ही है कि चलता रहिंदा इधरों चाइना नाल उधरों पाकिस्तान नाल झड़प्पां होंदियां रहिंदियां, पर अज मुद्दा यह है कि तुसी शहीद के परिवार को
ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਫੌਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਨੇ ਬੀਏ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾਲ ਗੰਨ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜੂਗਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਹੋਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਲੇ ਕਰੋਗੇ, 22 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ, ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ 2-4 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਜਾਂ MP ਭਾਵੇਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਲਾਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਲਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਹਸਤਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਵੀਰ 'ਚ ਅਗਰ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਏਕ ਦੇਸ਼ ਏਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ? ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਏਕ ਦੇਸ਼ ਏਕ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋ ਤੋ ਏਕ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੋ ਕਾਰਗਲ ਪੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਮੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋ ਏਕ ਦੇਸ਼ ਏਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੜੇਗਾ ਇਨਕੋ। ਆਪਾਂ ਪੰਕਜ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ 150 ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਬਸ। ਸੋ ਅੱਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਪੁਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਫੌਜ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50% ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 60% ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।